Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद के मौका पर मैं आपको बड़ी मजेदार सी स्पाइसी मटन लेग बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक अच्छी और साफ सुथरी मटन की लेग, और यहाँ की जो हड्डी है वहां एक कट लगा लीजिएगा ताकि इजीली आप इसे टर्न कर सके और हैंडल कर सके और किसी भी पैन में डालकर आप इसे पका सके। और दोनों साइडों से इस पर आप डीप कट्स लगा दीजिएगा ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर तक जा सके। और ये 2.5 किलो की मटन लेग है। और 1/2 कप दही, 1/4 कप फ्रेश लेमन जूस, 1/2 कप पिघला हुआ मक्खन। आप अगर तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेल्टेड बटर की जगह तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून, और अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कच्चा पपीता या मीट टेंडराइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप व्हाइट वाला साल्टी मीट टेंडराइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक की मिकदार को बहुत कम कर दीजिएगा। और सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक हसबे जरूरत, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, और साबुत काली मिर्चें 1 टीस्पून, आधा जायफल, 1 अदद जावित्री का टुकड़ा, 10 अदद बादाम, और 1 टेबलस्पून खशखश, और 6 अदद सब्ज इलायची। और इन सब चीजों को सबसे पहले मैं काफी ग्राइंडर में पीस लूंगी। काली मिर्चें, जायफल, जावित्री, सब्ज इलायची, खशखश और बादाम, इन्हें डालकर आप पीस लें। काफी ग्राइंडर में पीसने के बाद फिर इसकी मैरिनेशन तैयार करने के लिए फिर आप इन सब चीजों को मिक्स कर लीजिए और मटन को अच्छा सा मैरिनेट कर लें। पिघला हुआ मक्खन, लेमन जूस, दही, हरी मिर्च का पेस्ट, पिसा हुआ अदरक लहसुन, कचरी पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, और भुना और कूटा हुआ जीरा, और ये पिसा हुआ मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मटन को फिर इसके साथ अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें और हर तरफ से इसके कट्स के अंदर तक अच्छी तरह से मसाज कीजिएगा। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद इसे आप 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दे दें ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर तक चला जाए। 1 से 2 घंटे गुजरने के बाद आप इसे एक बड़ी देचकी में शिफ्ट कर दें और पकने के लिए रख दें और बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएं। फिर बिल्कुल साइड पर आप 1/2 कप पानी डाल दीजिए ताकि अच्छी सी स्टीम बने और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और आपने इसे 1 से 1.5 घंटा हल्की आंच पर पकाना है, और जब मटर की साइड पक जाए तो आराम से आप इसकी साइड पलट दीजिएगा। मटन
मटन की एक साइड पकने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें। और इसे फिर से पकने के लिए हल्की आंच पर रख दें। एक से डेढ़ घंटा गुजरने के बाद जब मटन अच्छी तरह से गल जाए और इसकी अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए तो आप लेग को अलग कर लीजिएगा। और इसकी ग्रेवी को आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, बल्कि एक सॉस बोल में आपने लेग के साथ इसको सर्व करना है ताकि ड्राइनेस महसूस ना हो। और मटन लेग को अलग करने के बाद ओवन को आप 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लीजिएगा और लेग को आप ओवन में रखकर ग्रिल कर लीजिएगा। पूरे 30 से 35 मिनट ओवन में रखने के बाद स्पाइसी मटन लेग तैयार है। अब इसे मैं निकालकर सर्विंग डिश में रखूंगी। आप चाहें तो ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। लीजिए, स्पाइसी मटन लेग तैयार है। इसे आप इसके सॉस के साथ ही सर्व कीजिएगा और इस ईद उल अधा पर जरूर बनाइएगा। आज मैं बहुत मजेदार बीफ रोस्ट बनाना सिखाऊंगी और बकरा ईद भी आने वाली है और गोश्त भी काफी होता है, तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये ऐसा रोस्ट होगा कि अगर आप इसे बगैर सॉस के बनाना चाहते हैं तो आप इसे रोस्ट की फॉर्म में भी सर्व कर सकेंगे और इसे आप बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी में भी कर सकेंगे। आप इसे सैंडविचेस में डाल सकते हैं, इसके रैप्स बना सकते हैं, या फिर आप इसे बनाकर रख लें और इसे काट कर पिज्जा की टॉपिंग के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो बीफ रोस्ट बनाने के लिए आप एक अच्छा सा साफ और रूखा गोश्त का पीस ले लीजिए जो कि 1 किलो का हो, और मेरे पास यहाँ 2 टुकड़ों में है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही अच्छा सा पीस ले लीजिएगा। और इसको मैरिनेट करने के लिए वूस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून। और काली मिर्चों का पाउडर ना डालिएगा क्योंकि काली मिर्चों के पाउडर से ये जरा ब्लैकिश की तरफ आ जाएगा। और नमक 1/2 टीस्पून या हस्बे जरूरत, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून और 1/4 कप पिघला हुआ मक्खन। आप चाहें तो मक्खन की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप जो भी लेना चाहें। और इसका सॉस बनाने के लिए 1 टीस्पून भरकर मैदा और 1/2 की हुई चिकन क्यूब या वेजिटेबल क्यूब जो भी आपके पास मौजूद हो। और अगर आप बगैर सॉस के सिर्फ बीफ रोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इन चीजों को निकाल दीजिएगा। और सबसे पहले इसको मैरिनेट करने के लिए आप गोश्त को एक बड़े बोल में डाल लें इसमें आप काली मिर्चें, नमक, सिरका, वूस्टर सॉस, मस्टर्ड पेस्ट और पिघला हुआ मक्खन डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद अब आप इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे रेस्ट देने के बाद आप इसे किसी देचकी में डालकर बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दीजिए ताकि गोश्त गल जाए।
और इसमें आपने पानी नहीं डालना और हल्की आंच पर छोड़ने से इसका अपना पानी काफी निकलेगा और बहुत ही लो फ्लेम पर आपने पकाना है और हर तरफ से इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलट दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसी तरह से आप दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लीजिए कि जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। हल्की आंच पर पकाने के बाद जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और इसका अपना पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे हल्की आंच पर रखकर भून लीजिएगा। और जब ये अच्छा सा भुन जाए तो आप इसे निकाल कर साइड पर रख दें। और इसी स्टेज पर अगर आप इसका सॉस नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे ही रोस्ट की फॉर्म में सर्व कर सकते हैं और इसे आप पतला पतला काट कर सैंडविचेस में, रैप्स में, पिज्जा की टॉपिंग के लिए या सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ इसका सॉस भी तैयार करूंगी। और फिर इसी बर्तन में आप मैदा डालकर अच्छी तरह से भून लें। और साथ ही आप चिकन क्यूब या वेजिटेबल क्यूब भी डाल दें और साथ ही आप पानी भी डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जितना आप सॉस को थिक रखना चाहते हैं उतना पानी डाल लीजिएगा और मैं तकरीबन 1.5 कप पानी डाल रही हूं। और इसे हल्की आंच पर आप रखकर 4 से 5 मिनट के लिए पका लें और ब्राउन सॉस तैयार हो जाएगा। और इसमें आपको और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही सीजनिंग मौजूद है और बड़ा अच्छा सा ये मजेदार ब्राउन सॉस बन जाएगा। लीजिए, बीफ रोस्ट तैयार है। इसे आप फ्रेंच फ्राइज के साथ और बॉइल्ड वेजिटेबल के साथ सर्व कीजिएगा और आप चाहें तो इस तरह काटकर भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह के अभी मैं आपको काटकर दिखाऊंगी। ऊपर आप चाहें तो इस तरह से सॉस डाल लें। लीजिए, बीफ रोस्ट तैयार है, जरूर बनाइएगा। आज मैं कुछ मुख्तलिफ और ईद की तैयारी के लिए नई और मजेदार रेसिपी कीमा चांप बनाना सिखाऊंगी। और ये ईद की स्पेशल रेसिपी जब आप इसे बनाकर टेबल पर रखेंगे तो ये बहुत बेहतरीन और मजेदार लगेगी और इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल होगा। तो कीमा चांप बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हाथ का कुटा हुआ बीफ कीमा 1/2 किलो और इसमें मशीन का कीमा नहीं इस्तेमाल करना बल्कि हाथ का कुटा कीमा ही लीजिएगा। और मटन चॉप्स चाहिए होंगी 1/2 किलो जिन्हें आप थोड़ा पानी, नमक और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालकर गलाकर रख लीजिएगा और इसका पानी इसी में खुश कर लीजिएगा। इसके अलावा 4 अदद टमाटर ब्लांच करके फाइनली चॉप कर लीजिएगा और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, 2 अदद प्याज बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा, देसी घी 3/4 कप, आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, और भुना कुटा धनिया और जीरा 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून और हसबे जरूरत नमक चाहिए होगा और 1/2 कप दही ले लीजिएगा।
तो सबसे पहले घी गरम करके इसमें प्याज डालकर हल्के ब्राउन कर लें। और जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए तो आप इसमें डाल दें पिसा हुआ अदरक लहसुन और कीमा डालकर अच्छी तरह से भून लें। जब कीमा अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही आप इसमें डाल दें नमक, भुना कुटा धनिया और जीरा, सुर्ख मिर्च पाउडर, कुटी काली मिर्चें, हल्दी, कुटी लाल मिर्चें और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल दें और इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर रखकर इतनी देर तक पकाएं कि कीमा गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। जब कीमा अच्छा सा गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें डाल दें चॉप्स, दही और हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह से भून लें। अच्छी तरह भूनने के बाद आप इसमें हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिला लें। मटन चॉप्स तैयार हैं और अब इन्हें मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार और स्पेशल ईद के लिए नई और मुख्तलिफ रेसिपी कीमा चाँप तैयार है। ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आज मैं आपको बकरा ईद के हवाले से ही एक नई और बहुत मज़ेदार रेसिपी रिमझिम सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ कबाब होंगे। और हर ईद पर यही सवाल होता है कि कुछ मुख्तलिफ बनाया जाए जिससे घर वाले और मेहमान भी खुश हों। तो इसी हवाले से ईद की स्पेशल रेसिपी रिमझिम सीख कबाब बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बीफ का कीमा 1 किलो और 4 टेबलस्पून मक्खन। और अगर आप बहुत जूसी, सॉफ्ट और मज़ेदार कबाब बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बीफ का ही 200 ग्राम फैट डालीजिएगा। मेरे घर वालों को बीफ फैट पसंद नहीं है, इसलिए मैं बीफ फैट की जगह मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मज़ेदार, जूसी, सॉफ्ट कबाब बनाना चाहते हैं तो आप बीफ फैट डालीजिएगा, लेकिन मक्खन के साथ भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 अदद रेड आनियन, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो ज़्यादा डालीजिएगा, फ्रेश हरा धनिया, फ्रेश लहसुन के 10 से 12 जवे, फ्रेश अदरक 1 इंच का टुकड़ा रफली काट लीजिएगा, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भरकर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और नमक हसबे ज़रूरत। और इसको रिमझिम सीख कबाब बनाने के लिए बारीक चाप की हुई सब्जियां चाहिए होंगी, जिसमें है ग्रीन शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 1 अदद, रेड शिमला मिर्च 1 अदद या फिर टमाटर के बीज निकाल कर वो ले सकते हैं, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक चाप की हुई,
दो अदद प्याज बारीक कटे हुए और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ऊपर ब्रश करने के लिए थोड़ा पिघला हुआ मक्खन या तेल ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप चापर में डाल लें कीमा। और इसमें डाल दें प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन के जवे और अदरक। सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और मक्खन डालकर अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। अच्छी तरह कीमा पीसने के बाद सारी सब्जियों को मिक्स करके रख लें। इसके बाद थोड़ा हाथ पर पानी लगाकर कीमे को सीखों पर लगा लें। और इसी स्टेज पर अगर आप महसूस करें कि आपके कीमे में थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा है, कबाब सही तरह से नहीं बन रहे, तो आप कीमे में ब्रेड क्रम्स या डबल रोटी के स्लाइसेस पीसकर भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद कबाबों पर थोड़ा पानी लगाएं और सारी सब्जियां लगाकर दबा दें ताकि सब्जियां अच्छी तरह से फिक्स हो जाएं। इस तरह से और इसी तरह से आप सारे कबाबों पर सब्जियां लगा लें। कबाबों को सीहों पर लगाने के बाद और सब्जियों को दबाकर कीमे पर अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद आप इन्हें बारबेक्यू कर लीजिएगा, या आप चाहें तो इसी तरह से शेप देकर सीहों से उतारकर पैन में थोड़ा तेल डालकर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पकने के बाद ऊपर आप तेल या मक्खन लगा लें। इसके बाद इसकी साइड चेंज कर दें। पकने के बाद आप इन्हें उतार लीजिएगा और बाकी सारे कबाब भी इसी तरह से बना लीजिएगा। लीजिए, बहुत मजेदार रिमझिम सीख कबाब तैयार हैं। जरूर ईद पर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन खुतबा देते हुए फरमाया,
कि पहला काम जो हम आज के दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन करते हैं ये है कि पहले हम नमाज़ पढ़ें, फिर वापस आकर कुर्बानी करें। जिसने इस तरह किया वो हमारे तरीके पर चला। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।